बिहार के मोतिहारी में हाल ही में जो प्रोफेसर संजय कुमार पर हमला किया गया, तथाकथित सवर्ण गुंडों ने, जातिवादी सोच के गुंडों ने उन पर अटैक किया, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। हालत गंभीर है संजय कुमार की और एम्स में भर्ती हैं वो। दिल्ली में इस वक्त हम बिहार भवन पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था उस घटना के खिलाफ, और उनके आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाए जाने की मांग की जा रही है। मेरे साथ में दिनेश यादव और रमेश कुमार मौजूद हैं। मैं नेशनल लॉ स्कूल विशाखापट्टनम से लॉ ग्रेजुएट हूँ। हाँ। हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ये इस देश में एक अराजक तत्व जिस तरह से अपना उन्माद पैदा कर रहे हैं, दूसरे पर अत्याचार जो कर रहे हैं, इसके पीछे एक मानसिकता है। वो मानसिकता ये है कि इनको डराओ, धमकाओ, दमन करो, दमन कर करके इनमें एक डर भय की स्थिति पैदा करो, जिस डर से ये क्वेश्चन न रेज करें, यूनिवर्सिटीज में ना मजबूती ढंग से जाएं, कहीं अगर पहुंच भी जाएं तो मरे हुए टाइप के जिंदा लाश बन के रहें। ये हमारी व्यवस्था पर ये सवाल न खड़े करें, इन लोगों पे सवाल खड़े करिए तो सबसे ज़्यादा इनको दर्द होता है। संजय कुमार सर पे हमला क्यों हुआ, ये सवाल खड़ा कर रहे थे वहाँ मोतिहारी यूनिवर्सिटी में। मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं, जिस तरह से वहाँ पर हर व्यवस्था जो बना रखे हैं, अलग अलग तरह के लोगों को, जिन लोगों के अपॉइंटमेंट की बात कहा जाए या इन लोगों को बर्खास्त करने की प्रोसीजर स्टार्ट कर दी गई थी, एक तरह से इन लोगों को परेशान करने का हर एक मेथड यूज किया गया, इसके पीछे कारण क्या, एक मानसिकता। रमेश जी, क्या 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 लगता है आपको कि जिस तरह का ये सिनेरियो देख रहे हैं कि कभी पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है, बुद्धिजीवियों पर हमला किया जा रहा है, प्रोफेसर्स पर हमला किया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को, आज लोकतंत्र को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक्चुअली जो सुशासन बाबू का तगमा है, ये सारा तो जो आपको ये बताएं कि तथाकथित जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो मीडिया में बैठे हुए हैं, कॉरपोरेट घरानों में बैठे हुए हैं, एक्चुअली सारा यही लोग हैंडल करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, जो भी लीडर्स हैं, जो उनकी अनुसार जो काम करते हैं जो लीडर्स, उसमें नीतीश जी भी आते हैं। मैं आपको ये बता दूं, बिहार में और चाहे वो सेल्टर हाउस की बात हो, बलात्कार की बात हो, वो तो एक प्रोस्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइज प्रोस्टिट्यूशन चला रहे थे। बलात्कार की घटनाएं भी बड़ी है, मर्डर भी हो रहे हैं, अपहरण भी हो रही है, फिर भी सुशासन बाबू लोग कहते हैं इनको। तो ये सुशासन कौन कहता है, आम जन नहीं कहते हैं, ये जो लोग, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं बिहार में है या सेंटर से प्रयोजित लोग हैं, जो चूँकि इनका आरएसएस के गोद में जाकर बैठ गए हैं, तो वो ताकतें जो हैं नीतीश को एक सुशासन बाबू के ब्रांडिंग करती है, जो फेक ब्रांडिंग है ना। आप इनके शासन में देख, आप एनआईए ना, आई थिंक जो एनआईए रिपोर्ट जो तैयार करती है वो क्राइम वगैरह का, उनका रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उनमें आपको दिखाई देगा कि लालू शासन से ज़्यादा क्राइम इनके शासन में है, नीतीश सरकार में है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसको सुशासन बाबू ही और उन सारे तथ्यों को छिपा के रखती है। उन लोगों को तो सुशासन बाबू नीतीश कुमार को ये लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सुशासन बाबू के जाकर के आप फंड अलॉटमेंट को पढ़िए, फंड अलॉटमेंट का एनालिसिस कीजिए, ये जितने पैसे सुशासन बाबू इस मीडिया हाउस पे खर्चे करते हैं ना, उससे कितने हॉस्पिटल और कॉलेज बन सकते हैं, कितने लोगों को नौकरी दिया जा सकता है। तो ये पैसा देते हैं अपनी ब्रांडिंग कराने के लिए, अपनी ब्रांडिंग कराते हैं मीडिया हाउस के मुंह में पैसा ठूस ठूस करके ब्रांडिंग कराते हैं। एक्चुअली मैं ये नोटिस कराना चाह रहा हूँ जो भी हमारे इस वीडियोस के लोग देख रहे हो कि इनकी मानसिकता क्या है। एक्चुअली ये लोग सोशल बैकग्राउंड से आए नहीं है, तथा कथित है नीतीश भी मेरे समझ से उनकी सोशल बैकग्राउंड नहीं होगा, दुर्भाग्य से ये लोहिया और जयप्रकाश और शरद जी और लालू जी के साथ में राजनीतिक जीवन इनकी शुरू हुई, लेकिन ये मानसिक तौर पे ये जो है ये सामंतवादी मानसिकता के हैं। ये आज इनके पार्टी में भी देख लो,
तो वन मैन शो है, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि नीतीश सरकार के जिस तरह से कार्यकाल में ये चीज़ें हो रही हैं, सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही है इन चीज़ों में, क्योंकि मुजफ्फरकांड हमने देखा, उसके बाद में ये घटना आई। और लेकिन आपका जो शब्द है फेल होना, फेल होना होता है कि वो कोशिश कर रहा है और उन सारे चीज़ों को सही ढंग से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, सर्विसेज डिलीवर नहीं कर पा रहा, लेकिन यह कोशिश ये नहीं हो रही है। ये निरंकुश हो गए हैं, निरंकुश हो गए हैं। तो यहाँ तो मैं तो मानता हूँ डेमोक्रेसी भी नहीं है। आप वो एक इस देश का प्रबुद्ध आदमी है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर वो कहते हैं कि वाजपेयी जी से उनकी कोई आस्था नहीं है, उनकी वाजपेयी जी का जो भी राजनीतिक जर्नी रहा है, उनका जो अध्ययन है, उनके बारे में जो उनकी जानकारी है, उसके अनुसार उन्होंने अपनी बात रखी, तो ये तो हमारा ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, किसी व्यक्ति से नहीं चलता है, हाँ उनकी बहुत सारे हमारे समाज के भी जो लोग हैं जो एस्टैब्लिश लीडर हैं, सहानुभूति रखते हैं भाजपेयी से उनकी जो बिहेवियर था उससे मैं भी सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन उनकी जो कैरियर है, जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स में, तो ये ब्राह्मणों के लिए हो सकता है, सुवर्णों के लिए हो सकता है, कैपिटलिस्ट व्यवस्था में जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी सहानुभूति हो सकती है, क्योंकि उनके लिए काम किया है, ओबीसी और एसटीएससी के लिए तो नहीं किया है, तो हम मैं क्यों रखूँ वाजपेयी से। हाँ, एक इंसान होने के नाते जो है उनकी कविताएं अच्छी हुआ करती हैं, मीठे बोलते थे, तो ये उनकी एक अपनी मैं इसको तो स्किल मानता हूँ कहने के लिए। भाई मैं यादव जाति से आता हूँ, कृष्ण के वंशज हूँ, क्षत्रिय हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन जब हकीकत में जाएंगे, अपने कार्यों के अधिकारों की बात उठाएंगे, तो संजय जी जैसा हाल होता है हर जगह, क्या औकात है हमारी, बात समझ रहे हैं ना। तो लोगों को समझना होगा, आप हिंदू बन जाते हो और वही हिंदू आप बनते हो, वोट देते हो, तो ये सहारनपुर की घटनाएं घटती है, महाराष्ट्र में वो गोरेगांव की घटना घटती है, मोतिहारी में संजय जी के साथ घटना घट रही है ना, गया में भी बहुत जगह जो ऐसी घटनाएं घटी हैं, प्रशासन तक साथ नहीं देता, एफआईआर तक नहीं होता है। हम मुझे तो लगता है हम अपने देश में ही नहीं, हमारा देश ही नहीं है, हमारा सिस्टम ही नहीं है। आज ये जो ठेकेदारी जो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, मैं तो मानता हूँ ये सामंत का ही रूप है, अभी इसने आकार लेना शुरू किया है। हम ये भी मानते हैं कि हमारे जो प्रबुद्ध हैं वो शिथिल हैं, काश वो इन सारे षड्यंत्र को समझ पाते, उनकी दूरदृष्टि होती। अब वाजपेयी जी का सबसे बड़ा रोल है भारत में जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, इस देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने के लिए बशर्ते एक कमीशन की गठन कर दिया था। हाँ, तो वो लोग कैसे इस देश के, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता कहता है कि हम लोग सोशलिस्ट और सेकुलर है, सोशलिस्ट प्रोविजन का कहाँ एप्लीकेबिलिटी होती है इस देश में। एक क्वेश्चन मेरा ये है दिनेश यादव जी कि अटल बिहारी वाजपेयी पे कमेंट करना, कोई फेसबुक पर टिप्पणी करना, कितनी बड़ी घटना है कि उन पर अटैक कर दिया जाता है, और खबर ये भी थी कि उन पर पेट्रोल छिड़क कर उनको जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है, और सरेआम और जो वायरल वीडियो हो रहा है उसमें मतलब पूरी तरीके से साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से वो लोग अटैक कर रहे हैं, ये इसके बारे में। देखिए, इंसान को बोलने का छूट हमारा संविधान दे रखा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, नेशनल लॉ स्कूल से पढ़ा हूँ, मुझे मालूम है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किस कंडीशन में होते हैं इसका भी तो आपके पास समझ होनी चाहिए। ऐसा कुछ तो संजय सर ने नहीं बोल दिया था कि दैट वॉज बियॉन्ड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, वो तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर में ही था। उन्होंने जो कुछ भी बोला, कुछ भी ऐसा नहीं बोला था जिससे उन पे मार दिया जाए, परेशान कर दे। अगर वैसा कुछ बोले रहते, कोई डिफामेटरी बात रहती, तो आप कानून को अपने हाथ में लेने वाले कौन होते हो? आप एफआईआर रजिस्टर करवाते, आप बोलते, जाकर के प्रशासन को जाकर दबाव बनाते थे कि इन्होंने गलत शब्द यूज किया है, इनके खिलाफ आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सेक्शंस हैं
उनके खिलाफ डिफॉर्मेशन का, आपके सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए आप केस रजिस्टर करते, आप कानूनी कार्रवाई करते, कानूनी कार्रवाई में आपको तो भरोसा है नहीं। जी थोड़ा सा बस संक्षेप में, बहुत कम समय में, क्या लगता है जब हम इतना, जब इतनी सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं तो क्या संजय जी को इंसाफ मिल पाएगा ऐसे माहौल में? देखिए जहाँ तक मुझे लगता है ये पॉलिटिकल एनार्की है। ये कहने का मतलब समाज के वैसा तबका नहीं है कि क्रिमिनल मानसिकता के है, और मतलब ये राजनीति जो है प्रायोजित एक षड्यंत्र का हिस्सा है, तो मुझे किसी प्रकार का कोई न्याय का उम्मीद, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसको कहें, हाँ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहिए, कि आप पूरे देश में है ये रियल, मेरे समझ से मोदी का रियल चेहरा यही है कि इन्होंने गुजरात का जो मॉडल का जो इन्होंने एक सपना दिखाया था पूरे देश में, ये सबसे बड़ा, देखो ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो ओबीसी एसटी एससी हैं, जो हिंदू बनते हैं, उनके लिए सोचने का विषय है। वोट जब इलेक्शन का टाइम आता है, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा शुरू हो जाती है, और बहुत सारे गाय को काटते हुए तिरंगे पे टोपी लगा के वो घर वापसी, तो वो कौन सा बोलते हैं लव जिहाद, तीन तलाक वगैरह, और अभी पॉपुलेशन यूथ का ज़्यादा है, मतलब जो ऊर्जा है उसका वो निगेटिव इस्तेमाल करना, वो इसमें वो लोग माहिर हैं, तथा वो बहुत शातिर लोग हैं, RSS वाले इतने शातिर हैं ना कि वो उनकी ना 6 लाख समथिंग गांव है, मेरे समझ से हर गांव में आज के डेट में वो लोग पसर चुके हैं, घर घर तक, ठीक है ना, तरह तरह के धार्मिक संस्थाओं के थ्रू। तो मेरा उन लोगों से अपील है, देखिए मैं नीतीश मोदी या RSS या ब्राह्मणवादी जो ताकतें हैं, मेरा कोई उस पर फेथ नहीं है कि वो न्याय करेंगे। मेरा तो ये मानना है कि वो जन्मजात ही बुचर होते हैं, उनके अंदर मानवता है ही नहीं है। 70 साल से ज़्यादा होने जा रहा है देश को आज़ाद होते हुए, अब देखो कहाँ पे खड़े हैं। बाबा साहब का सपना जो है 70 साल में लड़ के, हमको तो लगता है कि वो धीरे धीरे और फेलियर होते जा रहा है। हमारे समाज में हमारे दलाल पैदा हो गए हैं, है ना, मैंने सो कॉल्ड सोशलिस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो अपने आप, तो ये जो मनुवादी जो मानसिकता है वो हमारे समाज में जो सबसे पिछले पौधान पर खड़े लोग हैं उनमें भी जाके बैठा हुआ है। तो हम सारा जो हम लड़ाई का जो सारा दायरा देखते हैं, अब मनुवादियों के बनाए हुए सिस्टम में रह के देखते हैं, उससे बाहर निकल के नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले ना उससे बाहर निकल के देखना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि आप शूद्र हैं। ये जो कहते हैं कि ये सुवर्ण जो है हम श्रेष्ठ हैं हर तरीके से, चाहे वो बौद्धिकता की बात हो, ये आपको तगमा देते हैं और उस तगमा को आप मान लेते हैं। बात समझ गए, विषय ये है कि मोदी जैसे नीतीश जैसे और कुछ दलाल लोग हैं, वैसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। हमारे ही लोग उनके दलाल बन के हमारे पास आएंगे, तब ये सोचना होगा कि हमारे समाज के प्रबुद्ध हैं संजय, प्रोफेसर संजय यादव प्रबुद्ध है, जब उनके साथ ऐसी घटना हो सकती है, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो जो साधारण आदमी है उनके साथ क्या स्थिति होगा। तो मेरा बस सिर्फ यही कहना है कि मनुवादी व्यवस्था पे हम लोग तो भाई क्रांतिकारी विचारधारा के आदमी हैं, हम ट्रीट फॉर टैट वाली बात जानते हैं। अगर संजय यादव के साथ ऐसी घटना है तो वैसे लोग भी अपनी दुर्दशा के लिए तैयार रहें, और मैं चाहता हूं आप इस चीज़ को चलाइए, बिल्कुल है ना। तो जिस तरीके से देखा आपने कि मेरे साथ ये बिहार से ही हैं दोनों, और दिनेश यादव जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेन सवाल यही है कि संजय कुमार के साथ जो घटना हुई है कोई मामूली घटना नहीं है, एक प्रोफेसर पर इस तरह से अटैक करना, उनको जान से मारने की कोशिश करना, पेट्रोल छिड़क कर उनमें आग लगाने की कोशिश करना, हालत गंभीर है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि उनके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है या उन पर कोई सख्त एक्शन लिया गया है। तो नीतीश सरकार पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, तो चाहिए सरकार को कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ताकि कि भविष्य में इस तरह की घटना को अंजाम ना दिया जाए जिस तरह से ये बुलंद हौसले लेकर अपराधी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कानून व्यवस्था का इनके अंदर एक डर पैदा हो कि देश में एक राज
भी है। संविधान के हिसाब से देश चल रहा है, किसी की पर्टिकुलर विचारधारा के हिसाब से देश नहीं चल रहा है। नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सुशील कुमार, दिल्ली।